How's it going, guys? मेरे साथ है अभी पीहू. You what's up? All good. All good? Yes. A firm handshake, man. Super firm handshake. तो यार मैं ना मैं क्या हूँ इशो का? विजय. And inside you. Yes. ठीक है. मेरा काम है यहाँ वहाँ की उड़ती उड़ती जो खबरें आती हैं उनको सुनना. Okay. और फिर उनके बारे में आपसे कुछ सवाल जवाब करना. Okay. ठीक है. तो मैं घूमता रहता हूँ टेंट में, सेगमेंट्स में, टास्क के बाद, ऐसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं मुझे. अभी के योर फेलो कंटेस्टेंट्स. ओके. तो मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई हैं और वो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना फरेब है. I'm exciting. Excited? Excited. काफी excited. सुनने के लिए कि क्या क्या चल रहा है. क्या लगता है? स्ट्रेंज होगा, वियर्ड होगा, कुछ और मसाला होगा? मेरे ख्याल से हर चीज होगी. मतलब अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आई एक्सपेक्ट कि हर चीज हो, तभी मजेदार रहेगी चीज. ठीक है जी. तो सुनने में आया है पीहू कि पीहू कैमरे के सामने कुछ और रहती है, कैमरे के पीछे कुछ और रहती है. एग्जाम्पल, सुनने में आया है कि पीहू कैमरे के पीछे बोलेगी कि यार आई एम सॉरी, हाँ, और कैमरे के आगे करेगी फाइट. अभी किससे सुनने में आया ये तो मैं बता नहीं सकता बिकॉज ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, बट ये क्या सच है? कैमरे के सामने मैं फाइट करूंगी और कैमरे के पीछे बोलूंगी सॉरी बोल दूंगी. आई एम सॉरी बोल दूंगी. सॉरी बोल दूंगी. मतलब ऑन कैमरा यू विल बेसिकली फाइट. तुम लड़ाई करोगे जिससे तुम दिखो, ऐसा लोग कह रहे हैं. ओके. कि पीहू लड़ती है दिखने के लिए. ओके. अच्छा, मैं लड़ती हूँ दिखने के लिए. ओके, इंटरेस्टिंग. सो ये पहले तो मुझे लग रहा है शिवी की तरह साउंड कर रही है ये चीजें. तो यार मैं बता नहीं सकता किसी तरह, बट हाँ सुनने में तो आया नहीं, शिवी की पर्सनालिटी की तरह साउंड कर रही है. अच्छा. और जहाँ तक मेरी ऑन कैमरा लड़ने की और ऑफ कैमरा आई एम सॉरी करने की बात है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगी अगर आपको ऑन कैमरा भी आई एम सॉरी चाहिए, ऐसा हो गया होगा कि कैमराज नहीं होंगे वहाँ पे, तो मैं ऑन कैमरा भी आई एम सॉरी बोलने के लिए बहुत रेडी हूँ. और मेरे को पर्सनली लगता है कि मैंने ऑन कैमरा भी सॉरी बोला है, पर अगर उनको और सॉरीज चाहिए तो सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा या फिर बड़ा नहीं हो जाता. और मैं सॉरी बोलने के लिए मोर देन एवर रेडी हूँ. तो आप अपने इंसान को बता सकते हैं कि वो मुझसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करें. कॉन्वर्सेशन है वन ऑन वन. हाँ, और बात करें. और अगर उनको मेरी बोली हुई चीज़ कोई बुरी लगी है तो मैं दिल से आई एम सॉरी बोलूंगी ऑन कैमरा भी. अगर मैं ऑफ कैमरा बोल रही हूँ तो मैं ऑन कैमरा भी बोल सकती हूँ. आई मीन लाइक मुझे इतना कुछ टफ दिखने का कोई शौक नहीं है. सुनने में ये भी आया बिकॉज आपने वन ऑन वन कहा कि पीहू ना पीहू इज द वन हु बिकम्स वेरी वायलेंट इन टास्क, और यू नो वो फिजिकली काफी ओवरपावरिंग हो जाती है, ऐसा सुनने में आया. फिजिकली ओवरपावरिंग हो जाती है. शी गेट्स फिजिकल व्हेन इट कम्स टू टास्क. शी इज द वन हु गेट्स मोस्ट फिजिकल व्हेन इट कम्स टू टास्क. सो मतलब जब टास्क होते हैं तो फिजिकल वाले टास्क रहे होंगे. कुछ भी हो, आप जनरली थोड़े एग्रेसिव रहते हो हर टास्क में, थोड़ा आप यू नो यू आर जनरली हैविंग अ फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल टच, कुछ ना कुछ आपका थोड़ा एग्रेसिव आता है, ऐसा सुनने में आया है. तो इसमें क्या सच है क्या झूठ है? मेरे ख्याल से जिन्होंने फिर ये बोला है वो उनको रोडीज से खुद ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि रोडीज शो है यहाँ पे रफ एंड टफ का. पिछले सीजन में, उससे पहले सीजन में लोगों की बोन्स भी टूटी हैं और बहुत लोगों ने रफ एंड टफ परफॉर्म किया है. अगर आपको जेली की तरह यहाँ पे परफॉर्म करना है तो मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, मैं बहुत ही टनल विजन लेके चलती हूँ और उस चीज़ में मैं अपना 100% देती हूँ एंड दिस इज़ हु आई एम. तो अगर उनको वो चीज़ बुरी लग रही है, सॉरी फॉर दैट, आप और पिटोगे और पिटोगे. जेली वाले लोग ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए. मतलब आपको लग रहा है कि पीहू का टनल विजन सही नहीं है तो एक जैब में आपको टनल के उस पार पहुंचा देगी. नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी. हाथ उठाने की बात ही नहीं है. अच्छा. बात यहाँ पे है, जब आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, हर टास्क में आपको रोडियम्स और इम्यूनिटी मिलती है. मजाक नहीं है, सामने वाले की फ्यूचर डिपेंड करता है. ये शो मजाक नहीं है. हर कोई सीरियोसिटी से आया है यहाँ पे अपना लाइफ बनाने, अपना करियर बनाने के लिए. अगर आपको टास्क में भी परफॉर्म नहीं करना है तो आप क्या करने आए हो? बिकॉज एक इम्यूनिटी मिलती है, पूरी गैंग सेव होती है, जो कि पूरी गैंग को फिर आगे लेके चलती है, उनके फ्यूचर बन रहा है वहाँ पे. बेसिकली सेइंग कि यार ये गेम जो है रोडीज का, इट इज अ फिजिकल Also. और यहाँ पे कभी कभी इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है चीजें, तो इसमें इतना ऐसा छुई मुई बनने की जरूरत नहीं है. मुझे लग गई नहीं है. प्रिंस सर खुद बोलते हैं, जिन्होंने इतने सारे सीजंस में रहा है साथ में, वो खुद बोलते हैं ये रोडीज है यार. राइट, यहाँ पे हाथ पैर तो टूटेंगी टूटेंगे, आगे चलेंगे. 15 दिन से ये चीज ठीक नहीं हो रहा और हम बोलने पे आए तो यहाँ पे लगी है, वहाँ पे लगी है, पर हम नहीं बताएंगे. इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, चलता है यार. सुनने में ये भी आया पीहू की, पीहू क्या कहती है, लगेज रूम में जाकर सॉर्ट आउट कराती है चीजें. ऐसा ऐसे में बहुत मैं बहुत ज्यादा यार मैं बहुत क्लियर हिंट दे दूंगा यार कौन बोल रहा है. ठीक है, आई विल टेक दैट बैक.
Let me flip the don't take it back. Throw. So सुनने में ये है कि मतलब basically lot of people are saying कि यार जैसे अगर कैमरा नहीं है ना और पीहू देख रही कि there's a group of people sitting, तो पीहू जाके इंटरेक्ट नहीं करेगी कैमरे के सामने. जब कैमरा नहीं है तो पीहू जाके इंटरेक्ट नहीं करती. जैसे ही कैमरा आएगा तो पीहू एकदम अकेले बैठ जाएगी. एंड पीहू विल, दैट्स व्हाट दीस गाइस आर सेइंग, प्रिटेंड कि वो बहुत अकेली है, वो बहुत परेशान है. शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर कैमरा. मतलब उसमें ना वो रियलिटी नहीं दिख रही है ऐसा सुनने में आया. ओह दैट्स सैड. उनको फोमो हो रहा है. वाओ ओके नाइस. बट ये क्या सीन क्या है, लोग कह रहे हैं कि है ना पीहू इज डूइंग इट फॉर कुछ कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा. कई लोग कह रहे हैं कि मैं कैमरे के सामने कर रही हूँ, कई लोग कह रहे हैं मैं कैमरे के सामने नहीं कर रही हूँ. मतलब लोग कह रहे हैं कैमरे के सामने आप लड़ रहे हो कैमरे पे दिखने के लिए. लोग ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ भी करते हो जनरली तो कैमरे के सामने ही करते हो, एक्सेप्ट वन थिंग, आई एम सॉरी, बस ठीक है, गेट इट. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पीपल आर सेइंग कि यू नो व्हाट, पीहू प्रिटेंड्स, पीपल आर सेइंग पीहू एक्ट्स, दैट पीहू असलियत में ये नहीं है, पीहू कैमरे के लिए अपने आप को फेक करती है, इज दैट ट्रू? पर पीयू क्या फेक कर रही है कैमरे पे? हर चीज, कुछ भी, अगर कोई इमोशन नहीं भी होगा कैमरा आएगा, पीयू का भी इमोशन आ जाएगा. रादर मैं कैमरे के सामने सबसे ज्यादा कॉन्शियस फील करती हूँ. ओके मतलब मेरे को कैमरे के सामने एडजस्ट होने में मेरे ख्याल से जर्नी में स्टार्टिंग का पूरा 1 वीक लगा है. बिकॉज एवरी टाइम कैमरा कम्स, देखो मेरे को आदत नहीं है इस चीज का कैमरे के सामने बोलना, बिकॉज मैं 1-on-1 बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. अब रैंडमली 3 पीपल वॉक्स इन विद अ कैमरा एंड अ थिंग स्टिक लाइक दैट, आई एम नॉट यूज टू दैट एटमोसफियर, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद यू. सो व्हेन आई एम हैविंग अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद यू, रैंडमली 3 पीपल जस्ट वॉक्स इन, एंड नाउ यू आर expecting me to act and behave the same way as I was doing it in a personal environment, जो कि हमने एक safe space create किया था. For that, मैं genuinely बोलूँगी मेरे को time लगा है कैमरे के सामने genuinely बोलने का. मतलब क्यों act नहीं करती है? मैं act नहीं करती, मैं rather लोगों को under act करती हूँ. हाँ, over acting, under act करती हूँ. Yes. अच्छा. मैं literally खुल के आना चाहती हूँ कैमरे के सामने, मैं खुल के बोलना चाहती हूँ जो मेरा है. मतलब मैं लड़ाइयाँ भी मुंह पे करना चाहती हूँ, मैं माफ़ी भी मुंह पे करना चाहती हूँ. इट्स जस्ट जब कैमरा आता है ना, मेरा वीडियोज़ भी चल रहा है और उन्होंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, दे लाइक तू ये करना, बट यार मैं कैमरे के सामने ऐसे हो जाती हूँ, कैमरे के बिना मैं ऐसे, फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ. सो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग यूज टू. ठीक, तो बल्कि बहुत ही ऑपोजिट ऑफ योर एक्यूजेशन हो गया है ना. बहुत ही अपोजिट है, मतलब पोलर ऑपोजिट हो गया. और एक और चीज बोलूंगी जो मेरे को सुनने में खुद भी आई है, और वो चीज ये है कि जब मैं कोई भी स्टांस लेती हूँ, जैसे कि मैंने वोट आउट से बोलना शुरू किया वगैरह, तो वहाँ पे लोगों को लगता है तू कैमरे के सामने कॉन्शियस नहीं होती है. वहाँ पे ना मेरा एक अलग एड्रेनलिन रश मचता है. जब मैं एक फैक्ट को लेके खड़ी होती हूँ, किसी मुद्दे को लेके खड़ी होती हूँ, मुझे उस वक्त लिटरली कोई चीज फर्क नहीं पड़ रही होती, क्योंकि वो मुद्दा बहुत कॉमन है, वो जेनरिक मुद्दा है, उस पर मैं आवाज खोल के, दिल खोल के, मुंह खोल के बोल सकती हूँ. वहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कैमरा है, आदमी है, खच्चर है, जो भी है, मैं मुंह खोल के बोलती हूँ. बट जब मैं पर्सनली आपसे बात करने लगूंगी, जहाँ पे आपको मेरे बारे में पता चलेगा, या फिर मैं अपना हार्ट ओपन अप करूंगी या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूंगी, वो कैमरे के सामने आते ही कहीं ना कहीं मैं उतना खुल के नहीं आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या लग रहा है ये सुनने में आए जो बातें हैं, मुझे कहां कहां और जो जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग ऑलरेडी ये चीज जानते हैं मेरी पर्सनालिटी के बारे में. इन्होंने मेरे को इनपुट दिए हैं इस चीज से कवर अप करने के लिए. One of the person could be Pallavi, who's has been very close to me in the starting of the game, और जिसको मैंने अपना friend माना starting से. हमारी एक family conversations, interactions, exchange हुई है एक दूसरे के साथ, जहाँ से मुझे लगता है कि हमने एक bond create किया. पर at the same time मुझे लगता है वो जो information exchange हमने किया है, वो उस को लिवरेज पे ले रही है, और वो भी नेगेटिव लिवरेज पे उठा रही है उस कॉन्वर्सेशन पे. क्योंकि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है पल्लवी की रिगार्डिंग, जो कि मैंने ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा थ्रो करी है. वेलकम टू MTV रोड, इज अभिमन्यु सिंह राघव इनसाइडर. तो मौका है बताने का इनसाइड इन्फॉर्मेशन, बट ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ओके, सो वन नेम दैट यू सेइंग इज पल्लवी, हु कुड बी द अदर पर्सन? हु कुड बी द अदर पर्सन? इट कुड बी प्रियंका, कुड बी क्या, इट इज प्रियंका गुप्ता. प्रियंका से सेइंग पल्लवी, प्रियंका गुप्ता, यू आल्सो सेड शिवी. शिवी, दैट्स इट. एंड ये मेरे को एक इंसान ने कम से कम 18 लोगों ने कॉर्नर करके रहा है प्रीवियस शो, मतलब इस जब तक शो चल रहा है, अभी भी मैं बोलने पे आती हूँ तो एक इंसान, मैं बोलती हूँ
तो दो इंसान आके बात करता है मुझसे, तो मुझे डायनामिक समझ नहीं आई। तो और लोग मुझे कहते हैं कि मैं प्रोवोक करती हूँ, मतलब अगर मैं वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हेल्ड करना चाह रही हूँ तो डिसेंसी तो यही कहलाती है ना कि आप भी मुझसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हेल्ड करो, बट मैं एक बात कर रहा है वहाँ से दो बात कर रहा है तो प्रोवोक होने के चांसेस मेरे ख्याल से मेरे ज़्यादा है, बट मैंने वहाँ पे भी अपना काम और डिसेंसी मेंटेन की है। बट अगर तुम इंसान को इतना एजिटेट कर दोगे, इतना कॉर्नर कर दोगे, वो कभी ना कभी फटेगा। एंड अपेरेंटली शो में मेरा फटना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जब मैं फटती हूँ तो उसको भी क्वेश्चनिंग की जाती है कि तूने ऐसा किया तो कर कैसे दिया। काफ़ी कुछ चल रहा है यार, कोई नहीं, जस्ट ब्रीथ। पर ठीक है, मैं को कहीं ना कहीं एक्यूजेशंस में थोड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, एंड लेट्स सी क्या ये उड़ती उड़ती खबरें और सही तरीके से फैलती हैं या और गलत तरीके से फैलती हैं। यू टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।